नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे 18 न्यूज। आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। आपको बता दें कि राजस्थान में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। तो आपको बता दें कि चित्तौड़ की ये घटना है। महिला ने सोमवार देर रात 3 बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों में एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। तीनों बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। मामला चित्तौड़गढ़ के बाड़ी सादड़ी का है। बाड़ी सादड़ी CHC के प्रमुख सर्जन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राजीव मंगल ने बताया कि उदयपुर के वल्लभ नगर के गांव मंगरी फला के रहने वाली कविता मीणा को प्रसव पीड़ा होने पर रात 12:45 बजे भर्ती किया गया था। महिला का इलाज पहले से उनकी देखरेख में चल रहा था। आपको बता दें कि महिला ने 3 मिनट में 3 बच्चों को जन्म दिया है। ऑपरेशन के बाद रात 12:30 बजे लड़के को जन्म दिया। 12:36 बजे पे उनको एक लड़का हुआ। उसके बाद 12:37 बजे पे एक लड़की हुई और उसके बाद फिर से 12:37 बजे पे जैसी 38 मिनट होने वाली थी एक लड़की को उन्होंने फिर से जन्म दिया है। 3 मिनट में 3 बच्चों का जन्म हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि तीनों बच्चे और माँ बिल्कुल स्वस्थ है। लड़के का वजन 2 किलो है और एक लड़की का वजन 100 ग्राम है और दूसरी लड़की का वजन है वो 1.5 किलो के करीब है। बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सोनोग्राफी के बाद पता चला था कि गर्भ में 3 बच्चे हैं। बच्चों के पिता मदनलाल रावत सूरत में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के 3रे महीने में डॉक्टर मंगल ने सोनोग्राफी कर बता दिया गया था कि पत्नी के गर्भ में 3 बच्चे हैं। इस बीच डॉक्टर ने उन्हें निश्चित किया कि सब कुछ नॉर्मल होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बाहर का तला हुआ खाना नहीं खाने की सलाह दी थी। प्रोटीन युक्त घर का खाना और फल खाने के लिए कहा था। महिला के इससे पहले भी एक लड़का है, वह उदयपुर हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। सर्जरी में मुख्य सर्जन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राजीव मंगल, नाथूलाल माली, अरमान विवेक, दौलतराम भोई का सहयोग रहा। तो राजस्थान में ऐसी कुछ चौंकाने वाली घटनाएं हैं वो सामने आती रहती है। आज ऐसी खबर जो चौंकाने वाली जो खबर है वो हमने आपको सुनाई। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।